Daddy. हे गाइस वेलकम अगेन टू अनुतुष व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग? बहुत टाइम बाद यार अब आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं डॉग कैनल के ऊपर, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। और अभी हम आए हैं यहाँ पटियाला में, अश्मीत कैनल है और अमरिंदर पाजी है इनके पास। इतने बढ़िया बढ़िया मतलब क्वालिटी के डॉग्स हैं ना यार, और ऐसी ब्रीड दिखाने वाले हैं, देख कर मजा आ जाएगा। तो सीधा चलते हैं कैनल के अंदर और आपको दिखाते हैं और बताते हैं उस ब्रीड के बारे में सब कुछ। सत श्री अकाल पाजी, पाजी क्या हाल चाल है? वेलकम गाइस, ये है हमारे अमरिंदर पाजी जो अश्मीत कैनल है पटियाला में। एक्चुअली मतलब काफी सारे डॉग शोज आपने देखे होंगे, डॉग शोज आपको अच्छे से एक्सप्लोर कराया पिछले, और मतलब पाजी से बात हुई, बहुत टाइम बाद पता लगा कि पाजी जो है डॉग शोज में मतलब जजिंग करते हैं, और बहुत अच्छा लगा सुन के। और पाजी ने आज इनवाइट किया हमें यहाँ पटियाला में, तो पाजी सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। और गाइस मैं बता दूं, इनके पास है जो ब्रीड वो है वर्ल्ड्स वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रीड विच इज मिन पिन। और गाइस बहुत ही प्यारी ब्रीड, मतलब यार पास से ना सच में आके हमने पहली बार देखा। यस डॉग शोज में काफी बार कवर किया है इस ब्रीड को, बट एग्जैक्टली जो मतलब मिलना हो पाया है वो आज हो पाया, आज किस्मत थी मिलने के लिए। तो हम शुरू करते हैं पाजी, सबसे पहले जो ये मिनपिन ब्रीड है ना, आपको ये शौक कहाँ से पैदा हुआ? मिनपिन एक्चुअली में सबसे पहले इसलिए मेरे को इसका शौक, मैंने देखा था 2006-07 में। ओके तो, मतलब 2006-07 में, इट मींस कि आज से 15-16 साल पहले। हाँ, दिल्ली शोज में मैंने इसको देखा था, हमारे यहाँ पे कमी थी ये पंजाब में। फिर मैं सबसे पहले लेके आया एक डॉग, मैं 2010 में लेके आया। ओके और उसके बाद मतलब एज ए पेट, मैंने पहले पेट के बाद में आहिस्ता आहिस्ता मतलब ब्रीडिंग तो मैंने काफी देर से कर रहा हूँ, सभी को मालूम है। मैंने पहले एम्स्टेफ की, अमेरिकन स्टेफोर्डशायर टेरियर काफी ऑल राइट, मतलब इससे पहले आप उसकी ब्रीडिंग उसकी ब्रीडिंग करते थे। अरे 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 अरे, ये है गाइस चॉकलेट टैन कलर, और मतलब पाजी के पास इतने सारे कलर्स हैं, मतलब कलर्स ही खत्म हो गए कि ओए 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 कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं छोटू? ये तो भाई बहुत शरारती बच्चा है पाजी, इतनी शरारत कहाँ से सीखा ये? हश्मीत तो बड़ी चुपचाप है, ये तो बड़ा शरारती है, ये तो बहुत ही नोटी है, इसका कलर तो मेरी वॉच के साथ मैच कर रहा है, तो पाजी ये मैं ही ले जाता हूँ, क्या बोलते हो? तो ये अनु ने उठाए हैं गाइस, छोटे से प्यारे से पपीज, और इनको इसको हो चुका है इन पपीज से प्यार, क्योंकि एक्चुअली टॉय ब्रीड है। और देखो दो पपीज एक साथ उठा रखे हैं, और इनको जो घुमाना है फिराना है वो बड़ी जो ब्रीड है थोड़ी केयर मतलब बात कर ले है ना, वो थोड़ा इजी रहता है। ये देखिए गाइस, ये है ब्लैक टैन कलर और बहुत ही प्यारा बच्चा है। ओ पाजी ये बताइए, ये क्या चीज है, इसके ईयर में आपने ये क्या लगा रखा है पाजी? ईयर में एक्चुअली में जब पपी के कान समटाइम एक स्टैंड कर गया और दूसरा प्रॉपरली स्टैंड नहीं हो रहा, तो उसके कान के अंदर ऐसे छोटी सी एक टेप लगा देते हैं 2-4 दिन के लिए, फिर उसको एक दो दिन के बाद दो दिन के बाद फिर लगा देते हैं। तो इससे कुछ पाजी इनको प्रॉब्लम तो नहीं होती ना, जैसे टेपिंग की हुई है? ये देखिए आप, इसको कुछ कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ अंदर जस्ट एक डॉक्टर टेप जो आती है जी 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 वो लगानी है अंदर की तरफ। ये पाजी मतलब उस लिए है कि जैसे आपने इसको शो के लिए तैयार करना है ना, तो उसमें स्टैंड जो कान खड़े रहते हैं बिल्कुल अच्छे लगते हैं। ओके तो इसके फिर नंबर भी पूरे पूरे मिलते हैं ना। सबसे पहले पाजी बात करते हैं हम मिन पिन के कलर्स की है ना, कितने कलर्स में आता है पाजी ये मिन पिन? वैसे तो जो मिन पिन एक्चुअल में जो कैनल क्लब ऑफ इंडिया हमारा जो है वो जो रजिस्टर्ड करता है वो 4 कलर्स में करता है, और सबसे पहले रेड कलर जो ये है, ये रेड कलर में आता है, रेड कलर में आता है। Okay. ब्लैक टैन भी काफी है, चॉकलेट इज रेयर, और चॉकलेट टैन कम है वो भी है आपके पास? सभी है जी। ओके okay, और okay. एक हमारे पास चॉकलेट टैन के अलावा एक रस्ट, रेड रस्ट कलर बोल देते हैं, वो भी है अपने पास अवेलेबल? वो भी है। ऑल राइट तो और एक इसके अलावा एक चीज और आपको बताऊंगा कि एक इनमें ये तो कलर्स है जो KCI रजिस्टर्ड करता है, जो डॉग शोज में मतलब चल सकते हैं, मतलब जो डॉग शो में शो हो सकते हैं। इसके अलावा
हमारे पास एग्जॉटिक वी कलर है। इसकी अभी पाजी ने बात की थी, एग्जॉटिक कलर विच इज जेट ब्लैक कलर, और पाजी बताएंगे इसके बारे में खासियत। जो पाजी, ये कहाँ से आपने इम्पोर्ट किया है या नहीं? एक्चुअली में मेरे यहाँ अंकल हैं। ऑल राइट, उनसे मैंने लिया, उन्होंने ये थाई से मंगवाए थे, थाईलैंड से मंगवाए थे, और उन्हीं का ही एक पप कह सकते हैं, है ना। तो इसका पाजी क्या नाम रखा है आपने? इसका ब्लैकी। ब्लैकी, बात करते हैं इनके साइज की। जैसे वन ऑफ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट ब्रीड में से आता है ना, स्मॉलेस्ट तो मेरे को लगता है चुआवा ही होगा, है ना, उससे छोटी ब्रीड। चुआवा, चुआवा की जो स्टैंडर्ड हाइट है, ब्रीड स्टैंडर्ड की हाइट है, वो 10 इंच है। 10 इंच है। एंड व्हाट अबाउट इसकी जो मिनपिन की जो स्टैंडर्ड है, वो 12.5 इंच तक का। 12.5 इंच, मतलब एक्चुअल में 12 इंच है, हाफ इंच की वो मतलब परमिशनेबल होता है कि वो मतलब शो हो सकता है 12.5 इंच। तो पाजी आपने जो ये मिनपिन अपनी गोद में उठा रखा है ना, इसका कलर रेड है, वैसे इसका नाम क्या है पाजी? इसका नाम है ऑरेंज। जी बात करते हैं इनके वेट की, तो इनका वेट कहाँ तक पाजी, स्टैंडर्ड जो वेट है वो कितना होता है? यही अब 5 से 5 किलो, 5 केजी, 5 केजी मैक्सिमम। ठीक है जी, सजेस्ट करें मेरे व्यूअर्स को कि छोटी ब्रीड क्यों, मतलब किस लिए ज्यादा? सबसे पहले तो मतलब प्रॉब्लम ये आती है कि हमें जैसे छोटी ब्रीड में भी कई हेयर्स वाली है, लॉन्ग कोट ब्रीड्स हैं, कई शॉर्ट कोट ब्रीड्स हैं। ज्यादातर जो शॉर्ट कोट ब्रीड है वो इजी है रखने में, और उनकी हेयर फॉलिंग कम है, घर के अंदर रखना है तो वो उसके लिए ज्यादा बेनिफिट है। और छोटे मतलब आप उसको इजीली गाड़ी में लेके जा सकते हो, कहीं फंक्शन में जाना आपने उसके साथ भी आप उसको लेके जा सकते हो। और इसके अलावा ये है कि आप छोटा फ्लैट है, इसमें ये अलार्मिंग डॉग्स होते हैं। तो गाइज यहाँ देखिए, ये जो पाजी के हाथ में है ऑरेंज, है ना, ऑरेंज मिनपिन, मतलब ऑरेंज उसका नाम है और मिनपिन ब्रीड है, तो उसी का ही प्यारा सा ये बच्चा है। तो पाजी ये कितने टाइम का है? ये 2 मंथ प्लस है। 2 मंथ्स का हो चुका है, ये बहुत ही क्यूट बेबी है, और ये हशमीत ने अपने हाथों में उठा रखा। अच्छा, तो ये भी तेनू कर दे पसंद के नहीं? हाँ जी। है किन्ना का खेल दे, तू पढ़ाई भी करदा के इन्ना ना खेली आंदा? बस लगदा नहीं, जिद्दा ही तू हसी हस रहा है ना। पाजी इसका क्या नाम है? इसका नाम है बैटरी। ये तो कई बार विन कर चुकी है बैटरी। तो ये है गाइस, आपको बता दें कि शोज में बैटरी जाती है, ये फीमेल है, और शो काफी बार इसने विन किया है। तो पाजी बेस्ट ऑफ ब्रीड भी कभी इसने बीओबी काफी। टोटल जो अगर डॉग्स की बात करें तो कितने हैं आपके पास मिनपिन? मेरे पास तकरीबन 20-24 के करीब। 20-24, तो पाजी इनको मैनेज करना मुश्किल तो नहीं होता? बिल्कुल इजी है। मैंने और ब्रीड्स इसीलिए मेरे को एमस्टेफ मैंने रखना छोड़ा था, क्योंकि उनको मैनेज करना ज्यादा टफ हो रहा था। टफ हो। ब्लैक और टैन कलर, ये है बिल्कुल डॉबरमैन का छोटा रूप, हम डॉबरमैन का छोटा बच्चा भी इसको बोल सकते हैं। बट पाजी सोशलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि कितना सोशलाइज हो जाते हैं ये डॉग? ये सोशलाइजर इतना है जी कि मैं ये कहता हूँ कि आप अगर एक बार, जो आदमी डॉग लवर है वो एक बार ये ब्रीड रखेगा तो इसके बाद कोई और ब्रीड नहीं रखेगा। कोई ब्रीड में ना, मतलब टॉय ब्रीड में और भी बहुत सारी ब्रीड है ना, जैसे टॉय पोम हो गया या चुआवा हो गया जी। तो अगर बात करें बेसिकली इस ब्रीड की, मिनपिन की, तो इसमें वो क्या खास बात है जो इनको उन ब्रीड से थोड़ा अलग करता है और मजबूर करता है? जैसे आप बोल रहे हो अगर किसी ने ये रख लिया तो फिर कोई और ब्रीड ले ही नहीं सकता। सबसे पहले तो ये रफ एंड टफ बहुत है। ऑल राइट, और ये इसमें जो बीमारी आने का जो है वो बहुत कम आती है, ये बहुत रफ एंड टफ है, और ये खुद को अपने आप को मैनेज बहुत अच्छे तरह करके रखते हैं, क्लीन रहते हैं, आपको स्मेलिंग की प्रॉब्लम नहीं आती, आपको इनकी हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। आमतौर पर जो जैसे हम दूसरी ब्रीड्स का नाम ले रहे हैं, जो जिनके कोट वाली ब्रीड्स है, जिसमें जिनके हेयर्स ज्यादा रहते हैं उनमें हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम रहती है, इनमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी बात करें इनके ग्रूमिंग की, जैसे नेल कटिंग वगैरह या और बहुत सारी चीजें होती है ना,
आपके पास 24 डॉग्स है, ऑब्वियसली आपने कोई इसके लिए सर्वेंट रखा होगा, है ना? तो उनको नहलाना और वो सब कुछ करना, वो कैसा रहता है भाई? मतलब कितने टाइम में आप इनको? मैं इसको तकरीबन हफ्ते में एक बार नहलाता हूँ। हफ्ते में एक बार? हफ्ते में एक बार ही वैसे नहलाना चाहिए, है ना? हफ्ते में 15, हफ्ते 10 दिन में, जैसे सर्दी है तो स्पंजिंग कर देते हैं हम। गाइज ये चीजें ध्यान से सुनने वाली है, क्योंकि और अगर हम किसी डॉग कैनल में जाते हैं तो वहां इतनी आपको अच्छी डिस्क्रिप्शन नहीं मिल पाती है, क्योंकि पाजी खुद ही जजिंग करते हैं, तो इनसे बेहतर तो कोई बता ही नहीं सकता। और जो नेल्स की बात है वो ये है कि अगर आपके जहाँ पे आपने डॉग्स रखे हैं वो जगह जैसे थोड़ी सी खुरदली है, थोड़ी सी रफ है, तो आपको नेल कटिंग करने की जरूरत है, इनके खुद ही घिस जाते हैं, खुद ही घिस जाते हैं। प्राइसिंग नहीं की हम, प्राइसिंग जो है हमारी वो क्वालिटी पे डिपेंड करती है। भी अगर जैसे मदर फादर दोनों चैंपियन है तो उसके पपीज की थोड़ी अलग प्राइस कितनी रहती है पाजी? चैंपियन 25 के नियर अबाउट, 25,000 के नियर अबाउट। और अगर मेरा कोई व्यूअर पाजी आपसे कुछ लेना चाहे तो डिस्काउंट थोड़ा सा कर लोगे? अगर उन्होंने आपका आपका चैनल का नाम लेके हमारे पास आते हैं तो हम जरूर उनके लिए डिस्काउंट रखेंगे। सी गाइस, आप इसका स्टैक चेक कर सकते हैं जो कि शो में दिखाया जाता है, बहुत ही बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। इस ब्रीड में इसका टॉप लाइन स्ट्रांग होना चाहिए, ये टेल सेट पूरा ऊपर होना चाहिए, ये फ्रंट इसमें, और बाइट है इसकी, बाइट ये सीजर बाइट होनी चाहिए, और इसका जो नेक का है ये नेक ऐसे ऊपर से बिल्कुल। तो ये सब कुछ, ये सारी क्वालिटीज अगर बढ़िया होती हैं तो ही विन कर पाता है ट्रॉफी। और इस जो ये बैटरी है इसने अब तक 5 जो है वो ट्रॉफीज विन किया, और पाजी के पास ऐसा भी डॉग है जिसने 32 टाइम्स जो है BOB यानी कि ब्रीड ऑफ द, क्या बोलते हैं पाजी, BOB बेस्ट ऑफ ब्रीड जो है वो विन किया है। और उसका नाम क्या है? ऑरेंज, उसका नाम गाडो। गाडो, तो एक बार गाडो को भी हम दिखाएंगे। ये है गाइस, इसका नाम है गाडो, और इसके स्टैक जो है वो पाजी पूरा तैयार कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं इसका जो स्टाइल है, जो टॉप लाइन है, बहुत ही फर्स्ट क्लास, ए क्लास, और बिल्कुल बनता ही है इसको। तो पाजी मतलब और ज्यादा मैं चाहूंगा कि और ज्यादा इसको अवार्ड्स मिले, तो आपको बेस्ट ऑफ लक है। ये 32 क्या, 64 क्या, 128 अवार्ड लेकर आए, क्योंकि ये तो अभी अपने हमने इसको FCI के शो में, जो इंटरनेशनल शो होता है उसमें लेके जाने का। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छी आपकी सोच है, इस सोच को सैल्यूट है। क्योंकि लीटर साइज की तो वो कितना रहता है इनका? वैसे तो लीटर साइज इनका जो नॉर्मली है 4 पपीज तक रहता है। और कितने टाइम बाद पाजी आप इनकी मतलब करवाते हो ब्रीडिंग? ब्रीडिंग हम एक बिच की साल में एक बार तो लेते हैं, साल में एक बार। जी अगर किसी ने डॉग लेना हो तो आप उस मतलब आप अपने मेन पिन को कितने टाइम में मतलब किसी जो लेने आता है कस्टमर या कोई भी आपका दोस्त है ना, कितने टाइम में आप देते हो, कितना टाइम होना चाहिए? मैं जो पपी को देता हूँ तकरीबन वैक्सीन करवाने के बाद भी देता हूँ, 2-3 महीने के बाद, 2-2.5 महीने का पपी ही सेल करता हूँ। जी अगर बात करें यहाँ डीवॉर्मिंग की तो वो कितने टाइम में आप अपने पपीज को कराते हो? तीन महीने तक जो एज है तब हम करवाते हैं, 18 दिन के बाद, एवरी 18 डेज के बाद उसकी डीवॉर्मिंग होती है, और उसके बाद तीन महीने के बाद। पाजी मेरे व्यूअर्स को थोड़ा सा डीवॉर्मिंग के बारे में थोड़ा सा और हल्का सा गाइड कीजिए कि किस तरह से मतलब डीवॉर्मिंग प्रॉपर करवा सकते हैं। डीवॉर्मिंग के लिए जो पपीज के लिए आती है वो लिक्विड आता है, वो 1 kg के हिसाब से होता है, 1 kg के लिए 1 ml दिया जाता है, और उसके बाद जब पपी ये तो मतलब हमारे तो डॉग्स हम तो इनको लिक्विड से ही देते हैं, टैबलेट इनके लिए हार्ड रहती है। तो गाइस कैसा लगा आपको मिन पिन का जो ये हमने वीडियो बना के आप सबको दिखाया, होपफुली मजा आया होगा। अगर मजा आया तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। पाजी के पास ये प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, अगर किसी ने लेने हो तो पाजी को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।